चंडीगढ़ के विकास नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रौनक सेवा फाउंडेशन द्वारा माँ भगवती का 18वां विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ज्योति प्रचंड कर माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाई। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन, मेयर सरबजीत कौर, रामबीर भट्टी व चंडीगढ़ के कई पार्षद भी इस जागरण में पहुंचे। इस जागरण में प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोहा। कन्हैया मित्तल ने मंच पर आते ही जागरण में समा बांध दिया। कन्हैया मित्तल के भजन सुनकर भक्त थिरकने पर मजबूर हो गए। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रौनक सेवा फाउंडेशन द्वारा माँ भगवती का 18वां विशाल जागरण कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि यहाँ पर ज्योति प्रचंड करने पहुँचे थे और मुख्य अतिथि के तौर पर भी पहुँचे थे। गुप्ता जी, जिस तरीके से आज आप ये इस जागरण में पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार जय माता की, जय माता। हम तो माता के सेवक हैं, माता के भक्त हैं, और माता ने बुलाया तो अनिल दुबे जी जो माता के भक्त हैं इन्होंने बुलाया तो मैं माता के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मनोकामना के साथ आज ये जागरण का आयोजन किया गया है, महामाई इनकी मनोकामना पूर्ण करे और महामाई चंडीगढ़ वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को सभी तरह से सुख सुविधा प्रदान करे। दो वर्ष से कोरोना काल की वजह से माता मनसा देवी में भी जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन कर नहीं पा रहे थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बार काफ़ी भीड़ की बार हमने माता मनसा देवी के अंदर, क्योंकि दो साल के पश्चात खुले दर्शन करने का मौका भक्तों को मिल रहा है, हमने बहुत ही पुख्ता इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो, पूरे अरेंजमेंट हमने वहाँ माता मनसा देवी मंदिर के अंदर किए हैं। अब की बार आपने ठीक कहा कि जो दो साल से रुके हुए श्रद्धालु थे, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। ये थे हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि इस जागरण में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और ज्योति प्रचंड कर जागरण की शुरुआत की। तो वहीं पूर्व डिप्टी मेयर एवं रौनक सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन अनिल दुबे ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से विकास नगर में फाउंडेशन की ओर से जागरण कराया जा रहा है। पिछले दो वर्ष कोरोना काल की वजह से जागरण नहीं हो पाया। देखें और क्या कुछ कहा अनिल दुबे ने। नगर में रौनक सेवा फाउंडेशन द्वारा विशाल माँ भगवती का जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व डिप्टी मेयर दुबे। और दुबे जी, जिस तरीके से आप रौनक सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से 18वां विशाल माँ भगवती का जागरण का आयोजन किया जा रहा है? माता जी, निश्चित तौर पर मैया का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह महामारी का दौर था और ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया बचेगी नहीं, तो इनकी कृपा हुई और आज दो साल बाद फिर हम जागरण कराने के लिए सक्षम रहे और ये अवसर हमें मिला है। तो पहला धन्यवाद मैया का, दूसरा धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं और ये महामारी का जागरण कराने का अवसर मिला है। और उससे भी बड़ा धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी जनता जनार्दन का, जो लोग इस जागरण में आकर सहयोग करते हैं और इसको सफल बनाने में सहयोग देते हैं। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां पर ज्योति प्रचंड करने आए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे? श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, जो कि बच्चे को आता है, सरकार में रहकर लोगों की समाज सेवा तो कर ही रहे हैं वो सरकार, और जो धार्मिक स्थान था वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करते रहते हैं, इसलिए हमने उनको आज आमंत्रित किया था और वो आए थे, हमें आशीर्वचन देकर गए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में कन्हैया मित्तल का एक अहम योग रोल माना जा रहा है और आज उनकी यहाँ पे प्रस्तुति भी है, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर कन्हैया जी का भी धन्यवाद करने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी लोगों में, खासतौर हिंदुओं में बड़ा उत्साह जागृत हुआ है। श्री राम के भक्त हैं वो, खाटू श्याम के भक्त हैं, और हम लोग भी धार्मिक विचारों के, इसलिए उनको हमने आमंत्रित किया था और थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, हमारे जो मित्रगण हैं और लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये कहना चाहोगे जिस तरीके नाल पूर्व डिप्टी मेयर दुबे जी द्वारा जागरण का आयोजन किया? ये बहुत ही अच्छे इंसान है, धार्मिक इंसान है, ये हर साल जगराता कराते थे। इन्होंने कई बार हमें कहा कि यार कोरोना के कारण जगराता नहीं हो रहा,
अब इनको मौका मिला है, इन्होंने फिर दोबारा माता रानी का आशीर्वाद इनके ऊपर हर टाइम बना रहेगा। ये धार्मिक सेवा करते रहेंगे, जगराता करते रहेंगे और गरीबों की सेवा करते रहेंगे। भगवान इनको आगे भी एमसी बनाए और मेयर भी बनाए, मैं तो यही शुभकामना करूँगा। जय हिंद। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 7 से मनु सोनकर काउंसलर, जो कि हाल ही में जीत कर आए हैं और युवा पीढ़ी से, क्या कहना चाहेंगे सोनकर जी जिस तरीके से भव्य जागरण का आयोजन? आज जो विशाल जागरण हो रहा है ये कई सालों से होता रहा है और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जागरण होता है, महामाई का नाम लिया जाता है इसके अंदर, तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है और हमारे सौभाग्य है कि आज माता रानी के जागरण में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से माता का जागरण ये हर साल बनाया जाता है, जो मेरे बड़े भाई अनिल कुमार दुबे जी इनके निमंत्रण में हर साल ये जागरण होता आ रहा है और बढ़ चढ़ के हमारे सारे बड़े भाई इसके अंदर सहयोग लेते हैं। बस क्या कहना चाहोगे? जय माता दी। बहुत माता की कृपा से ये 2 साल के बाद फिर दोबारा कृपा से ये जागरण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि ये 18वां जागरण हम अनिल कुमार दुबे जी अपने पूरे सहयोगियों के साथ करते हैं और ऐसे माता से यही करेंगे कि अपना जैसे पहले अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद दिए वैसे आशीर्वाद अपना देते रहे। तस्वीरें विकास नगर से आपको दिखा रहे हैं, विशाल भव्य जागरण का पीछे आयोजन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाने के लिए कि कुछ तस्वीरें दिखाएं जिस तरीके से जागरण का आयोजन, विशाल माँ भगवती की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई है और कुछ ही देर में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर, भक्तजन जो हैं यहाँ पर कन्हैया मित्तल के भजनों का आनंद लेंगे। कई मुख्य अतिथियों का यहाँ पर लगातार तांता लगा हुआ है। योगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। चंडीगढ़ भी दीवाना, मुझ पे चली हम सब ने एक मौका इनको देते हैं, चकला पहले दांव पे लगा है। चंडीगढ़ भी दीवाना, और एक बार पूरा पंडाल एक बार, वो चंडीगढ़ भी दीवाना। दुबे जी, ये नहीं कि आप खड़े हैं तो मैं बड़ाई कर रहा हूं, मुझे बड़ाई करने की आदत नहीं है, लेकिन सच्चाई कहने की आदत है। कन्वरवीर जी, ये ऐसा कुछ वहां भी करना है, सीखना है बड़े भाइयों से। विकास नगर में नेता और भी हो सकते थे, लेकिन जागरण करवाने वाला तो नेता एक ही है। जो मैंने लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अगर इनको मां आशीर्वाद ना दे, राम आशीर्वाद ना दे,
तो आप सब कैसे आ जाओगे यहाँ, किसी ना किसी को आगे लगाता है। मेरा सिर्फ मत इतना ही है, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो ECDC कमरों में बैठे रहे, हमें वो नेता चाहिए जो हमारे साथ मैया रानी के जागरण में ताली भी बजाते हैं। दोनों हाथ उठा के, दिल का दीवाना हो मैं और इनमें और मुझमें एक खासियत है संजय भाई, इनमें और हमें एक खासियत है, हम दोनों एक ही के फैन है बुलडोजर बाबा की। दोनों हाथ उठा के, ओ मेरा दिल का दीवाना हो गया मुरली वाले, मुरली वाले तेरा दिल का दीवाना हो गया।